हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टोरी टेक पे। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो प्रोडक्ट है म्यूजिकल एरोप्लेन कोट मोबाइल। ये मिमी ब्रांड का प्रोडक्ट है, मिमी 3-in-1 प्रोडक्ट है। ये कोट झूमर कहते हैं हम इसको, जो सिंपल भाषा में इसको जो कहते हैं हम कोट झूमर कहते हैं, क्योंकि बच्चों की जो स्लीपिंग क्वालिटी है ये काफ़ी इंप्रूव हो जाती है इस प्रोडक्ट के साथ। बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं इस प्रोडक्ट के साथ। यदि आप किसी इस प्रोडक्ट को यदि किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या न्यूबॉर्न के ये आपको गिफ्ट देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आइडियल गिफ्ट है और बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है, बजट में रहने वाला प्रोडक्ट है। मैं वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो में आपको मिलेगा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड फुल रिव्यू, अनबॉक्सिंग और इसके लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम इसको अनबॉक्स। अनबॉक्स के लिए यहाँ पे एक सील दी गई है, इसको मैंने कटर से काट लिया है। इसके बाद हमें मिलता है, देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। बॉक्स खाली हो चुका है, अब इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। इसके बाद जो हमें मिला है इतना सामान, जो आप देख सकते हैं इतने सारे प्रोडक्ट इसमें जो दिखाई दे रहे हैं, वन बाय वन मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका इंस्टॉल करते हैं ये पार्ट जो है म्यूजिक। ये आप देखेंगे इसकी ब्रांडिंग कितनी खूबसूरत ब्रांडिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये चलता है विदाउट बैटरी, इसमें सिर्फ एक चाबी इस तरह से, ये देखिए, ये मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं इसको। और इसकी जो साउंड है बिल्कुल लाइट है, और यहाँ से इसमें ऑन ऑफ दिया गया है, कितना प्यारा ऑन ऑफ दिया है, ये देखिए। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए ये एक इसी तरह से इंस्टॉल होगा। इसके बाद जो मेन पार्ट है इसका, ये ऊपर का आप ये देख सकते हैं रोड। अब हम करेंगे इस पार्ट का इंस्टॉलेशन। इस पार्ट में आप देखें ये दो रोड हैं, इस रोड को हम कर देते हैं इस तरह से। और ये आप देखिए ये फिक्स हो गया यहाँ पे। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है ये। इसको हम यहाँ रख देते हैं, जो ये इसका ये पार्ट है इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल होगा। ये जो कैसे होगा इसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसके साथ जो प्रोडक्ट आए हैं उसको खोलते हैं। एक ये देखिए कितना प्यारा सा हेलीकॉप्टर साथ में है, इसीलिए इसको एरोप्लेन कोट मोबाइल कहा गया, क्योंकि इसमें जो टॉयज़ हैं वो सारे एरोप्लेन से रिलेटेड दिए गए हैं। इतना प्यारा सा ये इसमें प्लेन दिया गया है, ये प्लेन बड़े खूबसूरत हमें दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए, नो डाउट कि इसके कलर बहुत ही सुंदर हैं। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखिए ये भी एक आ गया है। अब दो दो पार्ट है एक तरह के, दो ये इस शेप में हैं और दो इस शेप में हैं। आप ये देखेंगे चार पार्ट हमारे पास आ चुके हैं। अब इसको वन बाई वन इंस्टॉल करते हैं। जैसा कि आपने देखा हमने इसके चार ये जो टॉयज़ हैं वो निकाल दिए हैं, कलरफुल में हैं। अब इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से होती है ये देखिए। इसमें जो रोड दी गई है यहाँ पे कट दिया गया है काफ़ी खूबसूरत सा, इसमें आपने इस तरह से इस डोरी को यहाँ पे लगाना है और ये यहाँ पे लॉक हो गया। अब ये देखिए इस तरह से सभी इंस्टॉल हो जाएंगे। मैं दो तरफ हेलीकॉप्टर लगाता हूँ और दो तरफ प्लेन, और ताकि ये बैलेंस बना रहे इसका। ये देखिए मैंने दो तरफ इसको इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं एक तरफ इसको लगा देता हूँ, और दूसरी तरफ मैं लगा देता हूँ इस टॉयज को। काफ़ी इजी इंस्टॉलेशन है इसकी, आप बड़े आराम से इसको घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं इस प्रोडक्ट। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने ये चारों टॉयज़ है इस तरह से फिक्स कर दिए हैं। दो तरफ मैंने एरोप्लेन लगाए हैं, दो तरफ प्लेन, और ये कलरफुल प्रोडक्ट है। और नीचे से भी इसका कलर अलग है, ऊपर से अलग है। ये इस तरह से मूव करता रहेगा, काफ़ी स्मूथ मूव कर रहा है ये देखिए। अब इसके ऊपर जो पार्ट है वो मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। आपने देखा कि इसको हमने इंस्टॉल कर दिया है इस तरह से। इसके बाद जो इसका म्यूजिकल पार्ट है ये वाला, इसको मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। इसमें एक दी गई है हुक, इस हुक को आप लगाएंगे इस तरह से। मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये देखिए ये अपने आप मूव होने लग गया है लाइट म्यूजिक के साथ। बच्चों को ये खूब पसंद आता है, क्योंकि इसमें बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो भी चेंज बढ़ती है।
और जो बच्चे की कलर कैपेसिटी है वो भी चेंज होती है। बच्चा इसमें काफ़ी कुछ सीखता है, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, और कलर के लिए भी काफ़ी इसकी डेवलपमेंट हो जाती है। म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा बच्चा पहचानने लग जाता है, उसको अलग अलग म्यूजिक मिलता है इसमें, और अलग अलग इसमें कलर देखता है तो उसकी जो कलर एबिलिटी है वो भी काफ़ी चेंज होती है। जैसा आपने देखा कि हमने उस पार्ट को इंस्टॉल करके मैंने उसको एक साइड में रख दिया है, इसके बाद जो ये पार्ट है इस पार्ट को अब इंस्टॉल करेंगे। ये किसी भी कोड के ऊपर फिक्स हो सकता है, इसका जो पेज है इस तरह से मूव हो जाता है। अब यहाँ पे आप बेड की सीट को ऐसे लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस तरह से आप फिक्स कर सकते हैं और इसको यहाँ से टाइट कर देंगे तो ये वहाँ फिक्स हो जाएगा। और ये किस हाइट पे जाएगा मैं वो भी बताना चाहूँगा। एक इसमें ये कर्व दिया गया है और एक ये बीच की सेंटर रोड दी गई है। आप चाहें तो इन दोनों को भी अटैच कर सकते हैं इस तरह से, यदि आपको हाइट कम चाहिए तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। हमने जैसे इसको बनाया है इस शेप, आप हाइट तक ले जा सकते हैं, और इसी को आप यदि बढ़ाना चाहें तो इसको इसके साथ बीच में अटैच करके ये बढ़ा भी सकते हैं। मैं आपके बाद हम इसको लगाने वाले हैं एक लकड़ी के बोर्ड पे, क्योंकि मेरे पास इस टाइम कोई कोट नहीं है तो मैं एक बोर्ड पे आपको फिट करके दिखाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा ये किस तरह से इंस्टॉल होगा। फ्रेंड्स, इसको मैं इसके ऊपर इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूं। आप इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो आप देखेंगे ना, तो इसको सिर्फ हमने यहां से लूज़ करना है। इस तरह से थोड़ा सा लूज़ करने के बाद इसको टाइट कर देंगे इस बोर्ड के ऊपर तो ये प्रॉपर टाइट हो जाएगा। तो मैं इसको लूज करके यहां पे मैं इसको लगा रहा हूं इस तरह से, इसको लूज मैंने यहां से इसको टाइट कर लिया है। अब ये देखिए फुल टाइट हो चुका है, ये कहीं भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब मैं जो इसका जो टॉयज हमने ये बनाया था म्यूजिकल वाला, इस म्यूजिक टॉयज को हम यहां पे इंस्टॉल करेंगे, इसके अंदर जो हुक दिया हुआ है। ये देखिए मैंने अब इसको इसमें फिक्स कर दिया है। मैं इस यदि बैलेंस पे इसको लेके आता हूँ और इसका यह म्यूजिक ऑन कर देता हूँ, ये देखिए ये अपने आप टर्न कर रहा है और इसका लाइट म्यूजिक के साथ बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा ये, और आपको भी ये इरिटेट नहीं करने वाला। आई होप कि आपको ये पीस पसंद आया होगा। यदि आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको क्लोजअप में भी दिखाऊंगा एक बार ये पीस किस तरह से बनता है। आप देख सकते हैं इसको इस तरह से ये झूलता हुआ और कोट के ऊपर बड़ा ही खूबसूरत लगता है। यहाँ से इसकी जो ब्रांडिंग है मिमी की आपको दिखाई दे रही है। इसके नीचे जो हुक हैं काफ़ी अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी में है। जो इसका जो पीछे का रोड है, मैंने एक हाइट इसकी थोड़ी सी कम कर रखी है, आप इसकी हाइट वो बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको फिक्स किया है, आप जो इसको फिक्स किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नहीं, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक बनता है हमारे वीडियो के लिए, प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद नहीं आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी और आप कौन से नए प्रोडक्ट पे वीडियो चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उन्हीं प्रोडक्ट पे नई वीडियो लाने के लिए, तो बने रहिए हमारे चैनल टॉयज टेक पे ऐसी नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। मिलेंगे दोबारा, जय हिंद, बाय बाय।